नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके दधतम रुद्रघटम चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप लोग थोड़ा दिन बस रुक जाइए, इंतजार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो मंडे से, सोमवार से हमारा 7 बजे का जो सेशन है वह फिर से शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को जो भी विषय में पढ़ना है मुझसे, मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा और हम लोग प्रैक्टिकल भी आप लोग को सिखाएंगे। जैसे मैंने हरिहर सर को वमन सिखाया, मैं बस्ती भी सिखाऊंगा, नस्य भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आप लोगों के हाथ से करवाऊंगा। तो आप लोग मेरे पे विश्वास रखिए, बस 2-3 दिन का टाइम है, वो रुक जाइए। अभी कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हमारी शशि मैम का हुआ क्या सिनॉप्सिस सबमिट? उस वो टेंशन है मुझे, अभी आएंगी मैम। महेंद्र सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बात करना चाहते हैं क्या? नहीं तो आप मेरा सुनिए। हाँ तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, जी प्रणाम बोलिए। सर। सर एक ना पेशेंट है, हाँ उसकी 4 महीने पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी। हाँ तो बाकी वैसे तो वो जब सर्जरी हुई उसके बाद वो घर भी आ गए, डॉक्टर्स ने भेज दिया था। तो अभी क्या है सर कि उसका जो वून है ना ऊपर वाला, ठीक है, वो हील नहीं हो पा रहा और उसको थोड़ी 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 पस का डिस्चार्ज हो ही जा रहा है और उसकी वजह से उसको फीवर भी आ रहा है। तो एक तो आप पहले उनको बोलिए कि दिन में सोना बंद करें, दही ना खाएं, मिल्क शेक ना पिए, विरुद्ध चीजें ना खाएं। ठीक है, मैं एक लेक्चर लूंगा व्रणोपासनी अध्याय में, जो जो पथ्य अपथ्य बोले आज के परिप्रेक्ष्य में, वो मैं एक लेक्चर लूंगा। व्रण नहीं भरने का कुछ हेतु सेवन हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, एक चीज ये हो गया। दूसरा, आपके पास मेरा वाला सूक्ष्म त्रिफला है क्या, या AKT अमृता गूगल कैश? आपके वाले तो नहीं है बट इस ऐसे है मतलब मेरे पास। वो ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, उससे पूरा सूख जाएगा। ठीक है, मैंने सूक्ष्म आप लोगों को एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट का भेजा था कि हाँ जी, हाँ जी सर, वो देखा था मैंने ग्रुप में। वो पूरा सूख गया है। आज का भेज का भी क्या फोटो, आज का और इम्प्रूवमेंट है और फायदा हुआ। तो सर तो यही मेडिसिन दे अभी कुछ, वो जो उस दिन बोला था ना मैम ने, वो कंचन मैम ने बोला था उनको कि वो शायद उन्होंने कुछ यूज किया था ये कहरवा पिष्टी वगैरह ये चीजें। हाँ, कहरवा पिष्टी भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा है, व्रण रोपण करते हैं। हाँ जी, उन्होंने बोला था कि वो कहरवा पिष्टी उन्होंने ऊपर भी उनको स्प्रिंकल किया था, हाँ, तो ऐसा कुछ सर उसको लगाने के लिए हम कर ऊपर सकते से हैं आप क्या? करना चाहते हैं तो कहरवा पिष्टी है वो ऊपर डालिए, या यशद भस्म है वो डालिए, तो वो जल्दी हील हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो उसको बना के सर कैसे, उसको स्प्रिंकल ही करूं उसके ऊपर या उसकी पट्टी वगैरह बना दूं? वो कैसा वुंड कैसे है, कहाँ पे है वो तो बताइए। सर यही गोल ब्लैडर में हमारा जो राइट क्या बोलते हैं ये एपिगेस्ट्रियम रीजन से राइट साइड आप चले जाओ तो जहाँ पे कॉलीसिस्टिक मतलब उन्होंने लेप्रोस्कोपी की है तो वहां पे जो हमारा क्या बोलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा उसने वो किया हुआ है
कट लगाया वहां पे ही है, ऊपर वाली साइड पे। वो पट्टी लगाने लायक है क्या वो जगह? हाँ हाँ लग हाँ 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 लग जाए। हाँ तो लगा दीजिए। ठीक है ठीक है, फिर उसमें जशद और कहरवा पिष्टी वगैरह लगा दे डाल देती हूँ। और एक सर जो ब्रण रोपण तेल आता है, हाँ हाँ उससे ड्रेसिंग करना है, उसको साफ करना है, उसको साफ करना सर, वो कौन व्रण सा? शोधक से, फिर उसके बाद व्रण रूपक लगा के। लेकिन आपका पस वाला अगर है में तो स्प्रिंकल करना ही पड़ेगा, तेल ठीक है डालेंगे तो और जैसे, बढ़ेगा ना वो केवल हाँ नहीं साफ उसको, सफाई के लिए यूज करिए। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब साफ सिंपल, मतलब मैं जैसे क्या बोलते हैं बिटाडीन वगैरह या कुछ भी ऐसा जिसके जाते आदि घृत वगैरह के साथ नहीं यूज कर सकते, सिंपल मैं उसको साफ करके उनको, हाँ और उसके बीच उसके ऊपर कहरवा पिष्टी और वो स्फटिका भस्म वो और ये जशद भस्म वगैरह उसको स्प्रिंकल कर हाँ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है और ये ठीक है सबसे भी अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दवाइयाँ भेज दूंगा। ठीक है ठीक है सर। अभी आपने ग्रुप में देखे है तनिका मैम, वो एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट का, देखिए वुंड जो है ना उसमें से इतना पस ऐसे टप टप दिन रात गिरता था। अभी मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ इंटरनल दवाइयाँ, और ये मैं भी कहरवा पिष्टी वगैरह दे रहा हूँ, तो देखिए कितना हील अच्छा हो गया है, देखिए ड्राई हो रहा है पूरा। ग्रुप में देखिए फिर हाँ आपको देख लिया देख लिया सर। बाद में, एक ग्रंथि जैसे एक ये है ना इसके लिए मैं दूंगा। पहले तो उनका जो सड़न होता हो रहा था उसको ठीक करना था, तो क्या बाद सर में इसको रिमूव नहीं कर सकते क्या, जैसे आपने ये मेडिसिन तो उसका हील किया तो हो गया लेकिन रिमूव तो करना ही पड़ेगा ना ये? किया करने के बाद भी आ रहे हैं, अच्छा हाँ जी एक कैंसर है, कितना भी रिमूव है ना, हो जाएगा ठीक। आप करिए, अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई पेशेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हाँ शक्तिमोहन जी बोलिए सर। प्रणाम प्रणाम सर, बताइए सर, बोलिए बोलिए सर, किसी को आवाज आ रही है शक्तिमोहन सर की? मेरे को नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई पेशेंट के बारे में? डॉक्टर गंगवार सर, अभय सर, महेंद्र सर, हाँ बोलिए, हेलो हाँ बोलिए सर बोलिए। सर, प्रणाम प्रणाम सर, बोलिए सर। सर। मुझे ये पूछना था कि मैं आपका स्वेत्र का लेक्चर पढ़ रहा था, हाँ उसमें आपने बताया है कि स्वेत्र जब मांस धारिका तक कला तक पहुंच जाता है तो ये असाध्य हो जाता है, तो हाँ सही बात है, ये पता कैसे चलेगा सर कि ये मांस धारिका तक पहुंच गया? वो तो मैं पेशेंट देख देख के फिर वो पता चलता है ना सर, वो तो ऐसे आपको मैं कैसे बताऊँ थ्योरेटिकल, वो तो देखने से ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। थोड़ा बहुत आइडिया, अब वो कितना वाइट हो गया है उस पे देख के पता चलेगा ना। अब जैसे अगर पहले लेयर पे, स्किन के पहले लेयर पे तो रसगत होता है, और ज्यादा डीप है तो रक्तगत होता है, और डीप होता है। अभी आप मेरे पास होते मैं श्वित्र के पेशेंट दिखा के आपको बता सकता हूँ कुछ चीजें, अभी मैं ऐसे ऐसे बोल के कैसे बताऊं? अच्छा जो सर आप आपने चर्चा बताया कर है। रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं आपको श्वित्र के पेशेंट का फोटो भेजूंगा, मेरे पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी ठीक होते हैं, उसमें मेदो पाचक भी देते हैं, मांस पाचक भी देते हैं, वर्णगन भी देते हैं, और बहुत सारी दवाइयां हैं। वो लेक्चर में तो मैंने कुछ ही चीज बताया, और भी बहुत सारी चीजें देते हैं, तो हो जाता है। और सर मैं एक आपको आप एक क्वेश्चन हाँ बोलिए सर। और, एक आपने बताया सर कि जब ये ऊपर के लेयर में होता है तो ये साध्य होता है, तो ये तो होता है फोर्थ लेयर है सर, फोर्थ लेयर से ऐसा ताम्रा से, इसके शुरुआत तो उसी से बताइए सर आपने, तो में भी यही बताए। तो सर आप एक काम करिए, आप ना वो पेशेंट का फोटो भेजिए, फिर मैं देख के आपको बताता हूँ। ठीक है सर। और सर हाँ सर एक क्वेश्चन और है सर, हाँ पूछिए ना। इसमें आपने बताया है कि इसमें क्या कहते हैं शुक्रवर्धक ओजोवर्धक दवाइयों के लिए आपने बोला है ना सर, हाँ तो अगर जैसे छोटी बच्ची में है तो उसमें क्या करेंगे सर?
आप दीजिए ना त्रिवंग भस्म। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि छोटी बच्ची है तो उसको शुक्रवर्धक चीजें नहीं देंगे? नए सेल बनाना है तो हमें शुक्र तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वहां पे आप त्रिवंग भस्म दीजिए ना। वहां पे आप ओजोवर्धक और क्या देंगे, स्वर्ण मालिनी वसन दे सकते हैं, सिद्ध मकर ध्वज दे सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है, उसको देने की कंडीशन है कि नहीं वो देखना है। छोटी बच्ची को है तो वो हो सकता है कि पेट में कीड़े होगा उसको, तो आप पूछे कि मिट्टी खाती है क्या, पेंसिल खाती है क्या, चौक खाती है क्या, दीवार चाटती है क्या? कृमि अगर होगा तो कृमि की चिकित्सा करेंगे, अपने आप शीघ्र ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप जो पूछ रहे हैं ना वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पेशेंट आपने देखा है, आपको मैं ऐसे कनेक्ट नहीं कर पा। आप ना फोटो भेजिए, फिर मैं फोटो देख के आपको सही बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं ग्रुप में डालता हूँ। हाँ सर ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं पूछेंगे तो मैं अपना कहानी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अपना कहानी नहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। डॉक्टर हरीश बत्रा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी मैडम आप कोई केस बताना चाहती हैं? अश्विनी मैडम सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैडम, आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं? नहीं सर, कोई केस तो नहीं सर, वही जो लास्ट टाइम मैंने हाई बीपी वाला लड़की का बोला था सर, 19 इयर्स ओल्ड, हाँ तो उसमें मैंने अभी बस्ती दे दिया सर, उसका बस्ती कंप्लीट हो गया, धन्वंतरम पहला और महापिक का घर अनवासन में और हाँ दशमुलक कषाय का बस्ती दिया है सर उसको, हाँ तो अभी उतना ही है सर, लेकिन उतना क्या कुछ फर्क तो नहीं पड़ा है बीपी बीपी नहीं तो में। बीपी बढ़ने का क्या कारण है? वो बस्ती देने के बाद भी नहीं कंट्रोल हो रहा, क्या कारण है? कारण वो पहले जो पिकल्स खाती थी और वो स्ट्रेस था सर उसको, थोड़ा वो रिलेशन का फेलियर मतलब में। नहीं तो फिर वो अभी तक शुद्धि नहीं हुआ है, अभी तक बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, तो आपका चिकित्सा तो और देना चाहिए, आपको हाँ सर, रुकना नहीं है अभी मैडम। हाँ सर, अभी मैं वो पंचतीर्थ घृत का सिर्फ मात्रा बस्ती कंटिन्यू करूँ क्या उसको? करिए करिए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, गुड न्यूज। आप लोगों को एक डॉक्टर प्रीति जोकारिया मैडम मालूम है, जो यहाँ पे आके बताती थी कि मेरे एक पेशेंट को पीसीओडी है, उसको मेंसेस नहीं आ रहे हैं, बहुत परेशान थी, उन्होंने क्या दवाई दिया, ये दवाई दिया, वो दवाई दिया, तो आज वो पेशेंट को पीरियड्स आ गए है ना, तो और कहीं पर भी वो नहीं हो रहा था ठीक, लेकिन वो आज पेशेंट को आ गए, और प्रीति मैम जुड़ेंगी तो वो बताएंगी आज आ गए पीरियड्स। लेकिन वो पीरियड्स में क्या गड़बड़ हुआ है, तो वो क्लॉट्स आ रहे हैं, सूखा सूखा ऐसे ड्राई क्लॉट निकल रहा है, तो मतलब क्या है कि रुक्षता बढ़ी है। और मैं बार बार बोलता था ना, सब आपको याद होगा कि आप योनि पीछू करिए पीछू करिए पीछू करिए, तो वही हेतु और वही संप्राप्ति मिल रही है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ा है, पूरा यूट्रस ड्राई हो गया है उनका। जब तक स्नेहन नहीं होगा, उत्तर बस्ती नहीं देंगे, अनमेरिड है, बस्ती नॉर्मल होना चाहिए, या घृतपान होना चाहिए, फल घृत होना चाहिए, नस्य होना चाहिए, तो वही चीज मिला है, क्लॉट क्लॉट आया है। अभी वो फोटो भेजेंगी तो मैं आप लोग को भेजूंगा, लेकिन मैंसेज आ गया, क्लॉट के साथ आ गया। वो मात्रा बस्ती दे रहे थे वो ना, नहीं ना, वो ले ही नहीं रही है ना बच्ची, वो ले ही नहीं रही है, उसको सब इंटरनल दवाई शुरू है, ग्रंथिरस फॉर्मूला और कन्यालोहती वट्टी वगैरह, लेकिन वो मात्रा ये बस्ती। मेरे पेशेंट को भी आ गए थे और मेरे मेरे पेशेंट का तो ठीक चल रहा था, अभी उसका पहले साइकिल था 4 4 महीने का, जैसे हाँ उसको तो आते ही नहीं थे, उसने 2 साल उसको मेंसेस आए नहीं थे, तो हाँ जब वो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था तो 2 साल उसके उसको आए नहीं, फिर उसके बाद उसने पहले तो वही लिया हार्मोन्स वगैरह ट्रीटमेंट लिया था, तब जब मेरे पास आई थी तो उसको पीरियड्स भी नहीं आते थे और वो कंसीव करना चाह रही थी, 27 साल की है और 3 साल हो गए उसकी शादी को, तो फिर उसके बाद अभी जब मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको जैसे 4 4 महीने का साइकिल शुरू हुआ, फिर हाँ अभी क्या है कि अभी उसको 2 2 महीने का साइकिल शुरू हो गया है, तो उसका वही मैंने बस्तियां उसको हर महीने 7 बस्तियां देती हूँ सहचर आदि ऑयल की, योनि पिची उसको फलघृत का मैं देती ही देती हूँ, और मेडिसिन वैसे वही चल रही है जो चलती है, तो तो अच्छा क्यों, असर उसका लेकिन रिस्पॉन्स साथ ही क्यों दे रही है, इतना कंजूसी क्यों कर रही है, और दीजिए ना 30 30 सर, दिन नहीं बाद। वो ले नहीं पाती है ना, वो ले नहीं पाती है, वो बस 7 दे रही है ना, वो ही बहुत है सर, वो नहीं ले पाती है, तो ये लंबा तो चलेगा ट्रीटमेंट थोड़ा? हाँ जी सर मैंने उसको बोल रखा है कि ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, तो वो अग्री है कि ठीक है ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, क्योंकि अभी 27 साल उम्र है और 2 3 साल ही हुआ अभी शादी को, तो इतना उसको है नहीं है कि मतलब अभी कंसीव करना चाह रही है, बट अभी वही चीज है
कि अभी पहले मेंसेस ही नॉर्मल हो जाए, पीसीओडी का साइज उसका कम हो गया, काफी कम हो गया उसका, जब वो जब पहले दिन जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया था और अब करवाया है, उसका साइज काफी ज्यादा कम हो गया है बच्चियों के साथ। बट वही चीज असर रेगुलर नहीं ले पाती है, तो इसलिए फिर वो धीरे धीरे चीजें जा रही है, लेकिन हाँ आपने मेंसेस इतना आ किया, जाते हैं। अचीव किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने इतना भी किया, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर, और थैंक यू सो हमने मच प्रीति टेकिंग माय मैम का लीव। नाम लिया, प्रीति मैम आ भी गई, 100 साल से ज्यादा उम्र है। डॉक्टर प्रीति मैम, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, आप अभी डरिए मत, हमसे बात करिए। प्रीति मैम, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्रीति मैम को लग रहा है मेरे बारे में क्यों बात हो रही है। प्रीति मैम, सर प्रणाम सर। आप वो पेशेंट को मैसेज आ गए ना, वो बताइए अभी कैसे मैसेज आ रहे हैं, बताइए। पेशेंट को अभी मैसेज नहीं आए हैं, बस आपने कहा क्लॉट्स आ रहे हैं, आपने मुझे फोन किया। क्लॉट्स वो बस्ती सर, मात्रा बस्ती ले रही ना सर, उसमें वो क्लॉट्स आए हैं। मात्रा बस्ती से क्लॉट आ रहे हैं, हाँ सर, वही मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब वो तो बल्कि वो कह रही थी कि मतलब वो क्लॉट है कि मल है, क्या है वो, ब्लड है कि क्लॉट है सर, वो नहीं। मुझे लगा कि मैंसेज आ गए। नहीं सर, उसको क्लॉट उसमें आया मात्रा रस्ते में, हालांकि वो कहती थी कि मैम इसमें थोड़ा ज्यादा डार्क लग रही है, इतनी डार्क नहीं है कलर में, थोड़ा अच्छा, लाइट है मात्रा कलर में। बस्ती कितना दिन से ले रही है, मात्रा बस्ती कितना दिन हुआ? मात्रा रस्ते को लगभग 1 मंथ से होने को है। और पीचू, योनि पीचू, क्या कह रहे पिचू रख रही है क्या, योनि पिचू रख रही है सर? क्या? पिचू नहीं रख रही है, वो फलग्रत ले रही है, लेकिन बीच में अभी थोड़ा कितना उसको तो वायरल हुआ तो तब उसने उस टाइम नहीं लिया था, फलग्रत फलग्रित ले कितना रही है, ले रही है, लेकिन और तो मात्रा बस्ती में तेल कितना जा रहा है? मात्रा वस्ती वो 50 ml किया था तो उसको उससे प्रॉब्लम है, इनकी तो 30 ml कर रही है सर। अच्छा, और और फलग्रित वो कितना? फलग्रत 30 ml और से कुछ नहीं होगा, वही तो, 50 ml से भी कुछ नहीं होगा, वही तो। मतलब और उसने 50 ml फलग्रित कितना लिया खा था ना, रही है, लेकिन एक उसको चम्मच? कुछ तकलीफ नहीं होती, 100 ml से भी कुछ तकलीफ नहीं होती मात्रा बस्ती से। नहीं मैम, उससे क्या हो रहा था ना कि वो जैसे उसको गैस पास हुई थी, तो कॉलेज वाले जाए तो गैस पास होने में भी वो कहती थी कि ऑयल ऑयल निकल रहा है मुझे। नहीं, मगर सुबह ही ऑयल निकल जाता है, 10 बजे के बाद कुछ नहीं रहता मात्रा बस्ती का। आ, उसको नहीं ठीक मैम, कई बार लीकेज होती है, से ऐसा फील हो, लीकेज होती है कई बार ना, मेरे पेशेंट भी कई बार कंप्लेन करते हैं कि कोई बात लीकेज नहीं, होती है डायपर कई पहन बार के रह होती सकते हैं ना, उसमें क्या है, है। हाँ वही वही मैंने नॉर्मल यहाँ है, पैड वो तो लगा नॉर्मल। दिया। उसके टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ रहा था शायद, हाँ, तो वही कारण हो सकता है उसका सर, टेस्टोस्टेरोन का अपना अपन घटाने के लिए लेकिन कोई। ना सर, मेन कारण है ना कि जितना मात्रा बस्ती में तेल जाना चाहिए वो जा ही नहीं रहा है, इनको कैसे ठीक करेंगे हम अभी हम सर, इतने। उनका पेट भी सफा नहीं होता होगा, गैसेस हाँ बन रही है बोल रहे हैं, तो एक बार विरेचन भी दे देना चाहिए, स्निग्ध विरेचन। हाँ घी खिला के विरेचन भी करा दीजिए अच्छे से, स्नेहन नहीं हो रहा है। मुझे ये बात बोलना है जी प्रीति मैम, आप आपने सर, अभी, मैंने 1-2 दिन पहले मिनिस्कस टेयर वाला एक पेशेंट का भेजा था, आपने देखा था? 70% ठीक हो गया 1 महीने में, देखा था क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वो पेशेंट को मैं 100 ml घी कंपलसरी खाने को बोलता हूँ, तो मतलब उसने महीने में 3 किलो गाय का घी खाया, खाने में, फिर नस से लिया उसने 8-8 ड्रॉपर भर के, और फिर उसने बस्ती लिया 100 100 ml, मतलब 3 लीटर उसने बस्ती लिया, मात्रा बस्ती, 3 लीटर घी खाया, फिर उसने गूगल तिक्त घृत भी खाया, मतलब 7 किलो वो हो गया, और 2 किलो 2-3 लीटर नस से लिया, मतलब अराउंड 8-9 लीटर स्नेहन हुआ है, तब वो 70% ठीक हुआ है। इतना जरूरत था उसको मेनिस्कस टियर को ठीक करने के लिए। और आप अगर तो फिर 50 ml अभी क्या तक करूं, उसका डोज बढ़ा दूं? सर बढ़ाइए मैम, पहले तो उसको पेट साफ कराइए अच्छे से, गैस क्यों हो रहा है? अभी उसको मैंने इस टाइम उसका एबीवीटी चल रहा है, आरोग्य वर्धिनी चल रही है, क्योंकि आप दे रही बीच हैं, में लेकिन उसको अग्नि कुछ बढ़ा है क्या? उसको गैस नहीं होना है, आरोग्य वर्धिनी बटी देके सर, भी उसको गैस, गैस वैस कुछ भी नहीं हो रहा है सर इस टाइम, सब कुछ उसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन 100 ml बीच में बिंदास दीजिए वही मैम, 100 ml दीजिए उसको, बोलिए 100 ml लो, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। उसको बोलिए शाम को 7 बजे खाना खा के 8 बजे बस्ती ले ले। क्या? आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा रखा सर, अभी उसको विरेचन दे के बाद में बस्ती देना है, मात्रा बस्ती। हाँ
जिसको गैस होता है ना उसको विरेचन करके पूरा कोष्ठ शुद्धि करके तब करना चाहिए। एक मात्रा वस्तु यदि बाहर रह जाए तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, यदि अपन उसको कैथेटर को अंदर पूरा नहीं डालें नली को, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है कई बार, उससे भी वो टपकता रहता है। हाँ, और जब अभी तक तो मैं, घर में उसका क्या प्लान करूं मैं? आपना फलग्रीत कितना खाती है वो? सर वो वही है, फाइव आधा चम्मच। ग्राम के करीब खाती है, 5 ग्राम मॉर्निंग में और 5 ग्राम इवनिंग इससे कुछ ऊंट के मुंह में जीरा ऐसे हो रहा है। में। बड़ी मुश्किल से उसने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट ही नहीं कर रही थी, आप उसको उनको कोल्ड हो पूछिए, जाता था कुछ। आप उनको पूछिए कि 2020 मैच खेलना है कि वनडे मैच खेलना है। वनडे मैच में आराम से खेलते रहो, सालों साल खेलते रहो, और 2020 फास्ट होता है। तो उनको पूछिए जल्दी ठीक होना है कि टाइम लगा के ठीक होना है। ठीक है, आप पहले विरेचन कराइए, घृतपान करा के विरेचन करा के तब करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर मात्रा बस्ती तो रात को ही सोते समय दे दो सर। हाँ, तो ये 30 ml दे रहे हैं सर। 30 ml से क्या होगा हरिहर सर, आप बताइए। इधर कितनी डोज कर दूँ उसको, सर ये मल्टीपल कोई वन बात कर दूँ देने, सर? सित्तेर हरिहर सर आप कितना देते हैं? से ज्यादा देता हूँ सर। लेकिन ये पेशेंट को ज्यादा की जरूरत है, 100 ml तक चाहिए। हाँ 100 ml तो देना ही चाहिए सर। हाँ, सर तो वो सर मात्रा बढ़ा बढ़ा दूँ उसका डोज? दीजिए। तो बीच में बढ़ाया था तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने आपसे नहीं, अब डिस्कस किया नहीं तो होगा आपने बढ़ा। प्रॉब्लम। आप ये सोचिए ना, अभी अग्नि बढ़ाने के लिए भी आप कुछ दवाई देंगी, आसावरिष दे दीजिए, लवण भास्कर चून दीजिए, कुछ अग्नि और बढ़ाना चाहिए। विरेचन करा दीजिए उनको, त्रिवित्लयम कभी कभी दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। और सर जो अब स्नेह देते हैं ना अच्छी क्वालिटी का होता तो सुबह तक तो उसका पाचन हो जाता, नहीं निकलता सर। हाँ, वो भी है, वो जो स्नेह दे रही है वो भी अच्छा कंपनी का नहीं होगा आपका, वो भी आमावस्था में होगा। सिद्धघृत जो भी जो दे, फलग्रत दे कंपनी रही वाला हूँ मैं कैसे, सर, क्या? फलग्रत जो दे रही हूँ हाँ, सर, सर फलग्रत हाँ वो पांच तो है, एमएल तो नहीं कम होगा है सर। ना? 5 ml से कुछ नहीं होगा मैम, उनको ज्यादा चाहिए। मैं देखिए 100 ml खिलाता हूँ घी, 100 ml आपको मैम 100 ml हर तो चीज दूंगी। लेने से रही वैसे सर। अब वो लेने से सर नहीं, आप ही नहीं देना चाहती हैं। नहीं नहीं सर, मेरे को देने में क्या प्रॉब्लम, मैं तो उसे प्रिस्क्राइब कर दूंगी, दे आप दूंगी, लेकिन प्रिस्क्राइब कर मैं दीजिए और उसको बोलिए जल्दी खाओ और जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी करके जल्दी ठीक हो। सर 100 ml तो पीना चाहिए कि खाने में ले ले तो चले? खाने में ले, गाय का नॉर्मल घी भी खाएं तो भी चलेगा। हाँ वो सही बात। तो बीच में उसे ये लीवर वाला भी प्रॉब्लम हो गया था ना, लीवर में नहीं होगा। हैवीनेस सी लग आपको रही थी। क्यों लगता है कि घी खाने से लीवर का प्रॉब्लम होगा? क्यों नहीं ऐसा सर लगता? उसने क्या सर उसने टेस्ट कराए थे ना, तो उसकी रिपोर्ट भी मैंने शेयर की थी। तो उसमें क्या आया था? SGOT, SGPT बढ़ा था, LFT बढ़ा था। हाँ हाँ सर बड़ा हुआ था ना। तो आप क्या करिए, आरोग्यवर्धिनी वटिका डोज बढ़ाइए, 5-5 गोली सुबह शाम दीजिए, फल त्रिकादिक्वात दीजिए जी और पुनर्नवासव दीजिए या द्राक्षासव, ये ज्यादा ज्यादा दीजिए आप, तो वो लीवर अच्छा होगा। फिर उसके बाद घृतपान करें, 15 दिन के बाद शुरू करिए। फल ठीक है त्रिकादिक्वात सर। से पेट भी साफ होगा, यकृत भी अच्छा होगा, है ना? ऐसे करके फिर आप बस्ती भी बढ़ाइएगा, ऑयल मात्रा बस्ती का, और घृत भी बढ़ाइएगा। ठीक ठीक है, आप करिए। है सर। हाँ डॉक्टर हरिहर सर, आपके पास तो वो पेशेंट आते थे तो कैसे पी रहे थे उस दिन, वमन के पहले हाँ पीते एक थे सर, पीते एक थे ग्लास में खा। पूरा भर के पी लेते थे। हाँ, बीना मैम आप क्या बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, मुझे बस्ती का कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या कि खुद का खुद लेने को आएगा बस्ती हाँ, मैं मात्रा आपको भेज बस्ती? दूंगा, 175 रुपीज का होता है, मैं आपको और डिस्काउंट में क्या दूंगा। हाँ, मैं भेज, वो खुद पेशेंट को लेने को आता है? हाँ लेने को आता है, वो भी है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, या आपको कोई मेडिसिन वाला चाहिए? तो वो मेडिसिन वाला तो पाउच मिलता है, महंगा पड़ेगा बहुत ज्यादा। नहीं, पाउच ने वो रेडीमेड पाउच ने को सर, ऐसा ही सिरिंज चाहिए कि पेशेंट को खुद के खुद हाँ बस्ती लेने को हाँ आएगा। हाँ
मैं आपको भेज बात। दूंगा, मैं वो वो करता थे। हाँ फोटो डाल दीजिए ना प्लीज जरूर मैं डाल दूंगा वो सर। इतना ही। अभी हाँ बोलिए सर, हरिहर सर। बाजार में अभी पाउच भी बिक रहे हैं तेल के, 100 ml हाँ पाउच बिक रहे हैं ना तेल के, शीर का तेल का पाउच महंगा पड़ता है बहुत ही ज्यादा। बहुत महंगा पड़ता है। वो तो हाँ मालूम नहीं कितने का आता है, लेकिन 100 ml में आता है ऐसे मालूम। लेकिन महंगा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है सर। वो जी तेल सर। का 10 गुना ज्यादा रेट लगाते हैं पाउच का। कोई दूसरा कोई देने को नहीं रहता, ये भी पेशेंट की बात नहीं तकरार मैम, मैं आपको वो जो दूंगा ना वो इजीली जाता है, पिचकारी की तरह रहता है, प्लास्टिक का रहता है, मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे एड्रेस दीजिएगा, पूना में आएंगी तो आप ले लीजिएगा मेरे से। नहीं। हाँ और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना है बताना है पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर सर एक चीज पूछना चाह रही थी हाँ सर, उसके टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके टेस्टेटोरॉन के लिए आपको क्या करना है कि पहले घृतपान कराना है, शुद्धि कराना है, उसके बाद में मात्रा बस्ती देना है, पुष्प धन्वा रस देना है, जो स्त्री गुण बढ़ाए वो चीजें देना है। तो पुष्प धन्वा रस से, आपने मेरा लेक्चर सुना है पुष्प धन्वा रस का? अगर सर नहीं सुना नहीं है तो वो आप ग्रुप में नहीं डालिए, स्वप्निल जी दे देंगे। पुष्प धन्वा रस से सुना ओवरीज जो अच्छे से डेवलप नहीं है, वो ओवरीज अच्छे से डेवलप सर, होती है। कितने टाइम तक दे सकते हैं मैक्सिमम पुष्प धन्वा मैक्सिमम मैं जी तो 5 5 देता हूँ पेशेंट को, सुबह सर? पांच शाम को पांच 22 जो 22 है तो सही रहेगा। चलेगा। अग्नि अच्छा होना चाहिए तो पच जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर 5 मॉर्निंग और 5 इवनिंग हाँ और कन्या लोहा दी बट्टी दीजिए, रस पाचक जी रक्त पाचक तापे तिलो नवायस लो, ये सब दे रही है, सर? लेकिन कितने स्नेहन टाइम नहीं तक हो रहा तो उसको कुछ रेडी सर, क्या। कितने टाइम तक चला सकते हैं पुष्प धन्वा रस, मतलब कितनी लॉन्ग पुष्प ड्यूरेशन धन्वा तक रस रहेगा? मैम एक रस कल्प है, तो 42 डेज हाँ दे के सर ब्रेक करना होता है, फिर 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना होता है, फिर ऐसे सालों साल चला सकते हैं। ठीक है सर। जिसका AMH वैल्यू कम होता है उनको सिद्ध मकर ध्वज, पुष्प धन्वा रस और फल घृत कंटिन्यू 3 महीने दिया ना, AMH वैल्यू बढ़ जाता है, ऐसा अनुभव जी है। सिद्ध मकर ध्वज चाहिए वहां पे। जी हाँ बोलिए आप, बाकी लोग बोलिए। प्रीति मैम आप कुछ भी करिए, घी बढ़ाइए, तेल बस्ती नस्से सब बढ़ाइए, क्वांटिटी बढ़ना ठीक है सर, चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ उसको बढ़ाने की। तो पहले हाँ तो उसको थोड़ा सा वही डाइजेशन वाला जो आप कह रहे हैं ना, पहले तो थोड़ा वो करती हूँ, विरेचन विरेचन देखो, फिर घी की डोज करती हूँ। आदि कुआत दीजिए, आरोग्य वर्धनी वटी 5 5 गोली सुबह शाम सर दीजिए। फलतिकादी में भी प्रॉब्लम ये है कि ना वो सब लोग रेडीमेड चाहते हैं, और वो फिर कंपनी मेड वही हो जाता है कि पता नहीं उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मतलब वो पेशेंट आप पे राज कर रही है, वो जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ता नहीं सर, पेशेंट का वो भी देखना पड़ता है ना कि वो कॉलेज बोली है तो टाइम दे पाएगी कि नहीं, बनाने में भी है। इतना क्या कॉलेज में पढ़ाई थोड़ा। करते, मतलब उन्होंने पढ़ाई किया हमने पढ़ाई नहीं किया है क्या? कॉलेज में काढ़ा बनाने में कितना टाइम लगता है? चाय बनाती है तो चाय जैसा काढ़ा भी बना दे, उसमें क्या है? हाँ सर उसको बोलती हूँ, इतने जी लंबे टाइम से दवा खा के थोड़ा वो भी वो हो गई तो मे भी शायद तो तैयार हो बोलिए कि जाएगी। 15 दिन आप दवा मत खाओ, 15 दिन ब्रेक लो, फिर देंगे दवाई, ब्रेक दे दीजिए बीच में। ठीक हाँ अब है सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर, इनका 50 ml भी ये होता है प्रॉब्लम दे रहा है, पर ये पेशेंट को कितना ml दे रहे हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं ना, जो डोज देना है अपना हिसाब से देना है ना। हाँ लेकिन और अग्नि वो पहले कैथेटर पढ़ना। भी 4 इंच अंदर नहीं जाता होगा तो भी वो तेल जल्दी बाहर आता है, कम से कम 20 मिनट्स 40 मिनट्स लेफ्ट लेटरल पे सुलाना चाहिए, वो भी नहीं हाँ करती होगी तो वो भी जल्दी हाँ तेल बाहर आता है उसमें। हाँ कुछ कुछ हाँ बेसिक चीजें रहती है वो करते नहीं है, बाद में 10 मिनट पेट के ऊपर भी उल्टा सोना रहता है, वो भी नहीं करते लोग बस्ती हाँ देने के बाद, वो ये उसी भी के कारण वजह है। से भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि हाँ कैसा असेंडिंग डिसेंडिंग इसमें जाना चाहिए ना, वो हाँ बराबर ट्रांसवर्स कोलन तक तो भी कम से कम जाना चाहिए, वो पेट पे लेटेगी बाद में
10 मिनट आखिरी, तो उसमें ट्रांसवर्स कोलन में भी जाए, वो जी जाता नहीं ना, डिसेंडिंग तक रहता है, फिर असेंडिंग उसका तो सवाल ही नहीं है। बराबर। इसीलिए वो कुछ तो भी गलत हो रहा है बस्ती देने के बाद, हाँ क्योंकि मैं बोलता हूँ 12 12 घंटे तेल बाहर नहीं आता किसी किसी। हाँ मैं भी, मेरे प्रैक्टिस में कभी बाहर नहीं आता, ऐसे कंप्लेंट कभी नहीं आता। हाँ 4 घंटे के ऊपर 12 घंटे इतना तो अंदर तेल आराम से रहता है। हाँ भाई जी, मगर रात में ही देते हैं ना मात्रा बस्ती खाने के मात्रा बाद। बस्ती रहो, निरो बस्ती दो के वातस काल में ही देना है ना शाम को, वही तो हाँ बेस्ट है ना। आप सुबह देते हो ठीक है निरो बस्ती पर, लेकिन मोस्टली ना इवनिंग में ज्यादा मैं इसको प्रेफर करता हूँ। निरो देने का होगा तो फिर मॉर्निंग में लेटरिन जाके आए घर पे तो भी चलता है, फिर 1 लीटर आराम से अंदर बैठता है, वो भी 10 15 मिनट में वो फिर वो जाता है, वो क्लियर हो जाए। इसीलिए ये तो उनका पेट सफा नहीं होता होगा, इसीलिए वो अंदर ऑयल गए तो गैसेस बने हुए रहते, और वो सर ये उसका अपान वायु की अनुभव दुष्टि चालू का हो ही जाता है। बीमारी, हाँ अपान वायु की दुष्टि का ही बीमारी, अपान वायु तो ठीक नहीं है उनका। इसीलिए गैसेस बाहर पड़ रहे हैं उनकी। मैम आप या तो पहले पेशेंट से पूछिए कि आप ब्रेक लेके करना चाहती हो तो ब्रेक लेके करिए, नहीं तो आप पहले यकृत को चक्रिय हाँ दीपन सर, बा वही मैं बोल रही हूँ कि उसको मतलब 10 दिन का ब्रेक देती हूँ, फिर हाँ तो उनको उसके बोले बाद से बस्ती मत लो स्टार्ट अभी 15 दिन। हाँ करें। ठीक है सर, ऐसा करती हूँ, उसको 10 दिन का ब्रेक देती हूँ, फिर उसका दीपन पाचन स्टार्ट करती हूँ। दीपन हाँ अब अच्छे से होगा। पाचन और शोधन करके फिर मैं करती हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? है। हाँ थैंक यू मैम। ये जो आप प्रीति मैम कर रही है ना, ये सबको ऐसा फेस करना पड़ता है, ऐसे मत सोचिए कि कोई अपने आप एक्सपर्ट बन के आए, ये हर डॉक्टर को अपना प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलता है कि कितना और अग्निमंद है और यकृत को अच्छा करना है। तो बिल्कुल शर्माइए मत, आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, ऐसे ही सीखते जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस। जी सर, हाँ और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना है? महेंद्र सर, तनिका मैम, अभय सर, हरीश बत्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, अगर नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद कर दूंगा। नहीं बोलना है तो मैं बंद कर देता हूँ। आप लोग अब सुबह मिलेगा, माधव निदान का क्लास 6 बजे होगा, 7 बजे अष्टांग हृदय का होगा। सर एक सेकंड, मैंने हाँ बोलिए। परसों के 15 10 दिन के पहले एक पेशेंट के बारे में आपको फोटो भेजे थे ग्रुप के ऊपर। हाँ फंगल इन्फेक्शन था उनको, वाइफ को और उसके हस्बैंड को। तो हाँ उनका 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद के फोटो मैंने अभी ग्रुप पे डाल दिए हैं सर। अच्छा डाल दिए। आपने क्या क्या दिया था मैडम जी, बताइए थोड़ा। मैंने पहले आम पाचन उनको आरोग्य वर्धिनी सूक्ष्म त्रिफला दिया था, और गंधक रसायन दी है, और हिंगवाष्टक दिया है सर। अच्छा तो और क्या कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट लग रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है इम्प्रूवमेंट। बहुत ज्यादा है सर, अच्छा हो मगर वो गया। पेशेंट कबूल नहीं हो रही। तो उसको फोटो दिखाए तो हाँ हाँ हो गया कम। अभी नेक्स्ट 15 दिन में मैं उसको विरेचन दे रही हूँ सर, दोनों हाँ को भी, जी जी और जी जी यही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगी। लोकल सही, एप्लीकेशन के लिए क्या दिया मैडम आपने? लोकल एप्लीकेशन के लिए काय दे लो अपन ते गंधक पंचवल्कल द्रुति, पंचवल्कल ऑइंटमेंट है मेरे पास। अच्छा करंज तेल, निम्बा तेल नहीं दिएगा कुछ? हाँ नहीं, तेल नको बोल रही है वो करंज तेल में पेशेंट ना कपूर सुन रही कपूर है डाल ना, कभी सके? कभी वो चाहिए ना, तेल से तो और अच्छा होगा, क्रीम करंज। करंज तेल दे दो क्या? हाँ, करंज तेल में भीमसेनी कपूर डालिए, वो हाँ लगाइए, वो जल्दी इफेक्ट करेगा। हाँ ओके ओके। और ये हाँ क्या ग्रेप बोल के क्रीम है,
वो भी है, लेकिन तेल का भी करें तो ज्यादा अच्छा हाँ रहेगा। देती हूँ और मैं। दिन में उनको घूमना है तो उनको बोलो रात को सोते शाम को 6 बजे हाथ मुंह धो के शाम को लगा दे, फिर अच्छा सोते वक्त 12 घंटे रहेगा, सुबह नहाने के बाद उनको लगा तो क्रीम दे ओके दीजिए हाँ अलग से, वो भी चल देती हूँ जाएगा। ऐसा देती करो, हूँ। दो दो एप्लीकेशन दे दो तो दोनों का ये इफेक्ट हो जाएगा। एक साल से वो घूम रही है तो तो आपने कितना कम अच्छा कर हुआ। दिया, वो स्किन एकदम प्लेन हो गया है पूरा, अच्छे से इन्फेक्शन सब कम हो रहा है उसका, पूरा अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। फिर गर्दन इसे धोती तो रहता करो तो भी और अच्छा रिजल्ट आ सकता। आप सब लोग मैम जो बोलते हैं ना सलाह देते हैं वो बहुत अच्छा मिलता है मैम सलाह। गंधक गंधक ध्रुति भी है एक, वो भी अच्छा इफेक्ट करेगी इसके ऊपर ना। हाँ गंधक धुती करती है इफेक्ट, मगर ना बिल ज्यादा होता है तो बिल नहीं देते पेशेंट उतना। कितना दे मैडम, ऐसा कितना पैसा दे? हाँ 150 रुपये की आ जाती है 100 ml हाँ बिना मैम, आपको कितना फीस देती है ये पेशेंट, मैम। बोलिए पांच बोलिए। सौ रुपये 500 रुपये लेती है, 500 में कर देती है आप ट्रीटमेंट? 500 रुपये 15 दिन के सर मतलब बहुत ढाई कम सौ रुपये हफ्ते का, बहुत फिर कम तो ले बहुत रही है, मजा दो हजार आएगा, रुपये तो ऐसे भी मजा पेशेंट को लेना बहुत दिन चाहिए लगेंगे। मुझे। हाँ इतने का तो दवाई भी नहीं आता है, कैसे करती हैं? ना उसकी वजह से गंधक दूती नहीं दी सर। वो सिखाऊ ना गंधक दूती बनाने के लिए। ठीक है, मैं अभी संडे को गंधक ध्रुति लाइव दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। हाँ आप कब से बोल रहे हैं मैं मैंने सिखाऊंगा। आया है आयुष दर्पण पे, एक लेक्चर है मेरा, मैंने दिखा, अच्छा आप लिखिए स्वप्निल जी, मैंने बताया है। अच्छा सर एक एक स्वर्ण प्राशन भी बनाना सिखा दीजिए, कैसे बनाते हैं वो। स्वर्ण प्राशन भी मैं बनाना, नेक्स्ट वाला जो आएगा ना डेट, अभी हाँ अभी है अगस्त में, ये मैं उस दिन दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है सर थैंक यू सर। गंधक ध्रुति का भी है वीडियो, लेकिन आप, मैं आपके लिए फिर दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन वीना मैम आप कुछ ज्यादा ही सस्ता डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर तो बहुत लोग को पसंद होते हैं। जी ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं? अभी वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती ना यही चीज के लिए, तो वो कितना महंगा इलाज करते हैं वो लोग, तो फिर आप इतना दे रही हैं तब भी वैल्यू नहीं देते। अभी लूंगी ज्यादा थोड़ा दूसरा कुछ बदल के विरेचन देके। हाँ हाँ, और शक्तिमोहन जी आपने जो बच्चे का भेजा है ना, ये तो ठीक होने वाला लग रहा है, मतलब क्यूरेबल है। इसमें मेदोपाचक देना पड़ेगा और आरोग्यवर्धिनी वटी देना पड़ेगा, कृमिघ्न चिकित्सा करना पड़ेगा। बीच बीच में इसमें डॉट डॉट है ना, तो ये हो जाएगा। तो वर्णगण का बस्ती देंगे तो और अच्छा फायदा होगा, वर्णगण के काढ़े का रोज बस्ती देना है, या वर्ण तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। शक्तिमान जी सुन रहे हैं, आप क्या क्या दवाई दे रहे हैं अगर बताएंगे तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन ये हो सकता है। ठीक ठीक है, तो अभी बाकी लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, शायद सोना चाहते हैं, तो खाना पीना खा के सो जाइए। अब हम लोग सुबह मिलेंगे 6 बजे और 7 बजे, और जो शाम का क्लास नहीं हो रहा है जिसके लिए बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो आप लोग शांत हो जाइए, हम लोग मंडे से करने वाले हैं। और आप लोग को बस्ती देखना है, नस्य देखना है, जो भी चीज सीखना है सब चीज आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे एक वैद्य नेहा रावत मैडम जुड़ी हैं, वैद्य नेहा मैडम अगर आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगी सबको तो अच्छा रहेगा, सब लोग आपको जान जाएंगे, हमारा आयुष दर्पण का फैमिली है। नेहा रावत जी, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आपको एक क्लिक करना है बस। हेलो हाँ हाँ आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगी सभी को, आप कौन है? सर, मेरा नाम नेहा रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ। अभी मैं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार से पीजी कर रही हूँ, रवि रूम से सेकेंड ईयर। अच्छा, आप वीडियो ऑन कर सकती हैं, सबको ये सर देखना चाहेंगे, वीडियो तो पॉसिबल नहीं होगा, कल कर दूँ। कल करिएगा। तो आपको हमारा आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ऋषिकुल से तो हमारे नवीन जोशी सर भी पढ़े हैं, उन्होंने वहां से अच्छा बीएमएस किया है, एमडी किया है, जिनका ये आयुष दर्पण है उन उधर से ही पढ़े हैं। जी सर वो कैंपस बहुत ही अच्छा है, वहां के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं,
वहां पे आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है आपको एमडी का? 62 है। तो आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है इंडिया की, मतलब आप थैंक अच्छा गवर्नमेंट का सीट निकाला है, बहुत अच्छा है, प्राउड ऑफ यू मैम। यू सर। सर हाँ यही पूछना था कि मेरे को, मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे कि अभी द्रविगुण पढ़ते हुए मैं कैसे कैसे द्रविगुण पढूं ताकि वो मेरे आगे प्रैक्टिस में काम आप क्या आए, करिए, क्योंकि आप ग्रुप में मेरे लिखिए कि हमें द्रव्यगुण का भी क्लास चाहिए, ऐसे बोलिए तो मैं आप लोग को द्रव्यगुण भी पढ़ाऊंगा, एक एक वनस्पति रोज एक दिन, वो मैं याद करा दूंगा, रस विरि विपाक और लैटिन नेम फैमिली सब याद करा दूंगा। हाँ जी सर। और सर ये भी पूछना था, ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं आयुष दर्पण में, तो ये हमें ऑनलाइन भी मिलेंगे जो मिस हो गए हैं या फिर कभी मिस हो हाँ जाता है? हाँ हम पूरे 5 साल से कर रहे हैं ना, ये लॉकडाउन के पहले से कर रहे हैं। तो जो आप क्या करिए, आयुष दर्पण जर्नल पेज फेसबुक पे देखिए या यूट्यूब में देखिए, आयुष दर्पण जर्नल, तो ठीक है आपको सर। सारे लेक्चर मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक पे आपको चाहिए स्पेशल, तो अभी जो ग्रुप में ज्वाइन हुई है वहां पे आप लिखिए कि हमें ये टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो स्वप्निल तिवारी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो हमारे साथ हैं, वो आपको वो टॉपिक का लेक्चर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बोर नहीं होता लोग, तो आपको जो सुनना है वो आप, मैं आप द्रव्यगुण बोलेंगे, द्रव्यगुण रस शास्त्र, तो रस शास्त्र जो पढ़ना है वो मैं पढ़ा दूंगा। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पर, किसी सर को मैं कुछ एक बोलना बात है? पूछना चाह रही थी। आप पूछिए। सर ये जो छीरबला है 101 आवृत्ति वाला, ये भी जो मॉर्निंग में स्नीजिंग वाला प्रॉब्लम है उसके लिए ठीक रहेगा? नहीं, ये क्या है, शीत विर्यात्मक है ना, उतना अच्छा काम नहीं करता है तो सर उसके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? वो। एक मेरा भ्रंशतु शब्दहर तेल है, जिसने भी यूज किया है वो, उनके पेशेंट आए ही नहीं फिर से, ठीक ही हो गए। यहाँ पे एक डॉक्टर अश्विनी मैडम है, इनके भाई साहब को स्नीजिंग का प्रॉब्लम था, छींके आती थी, प्रतिषेध था, तो मैंने इनको दवाई भेजा था, इनके भाई जो ठीक हुए, आज 3-4 साल हो गए वो फिर हुआ ही नहीं। तो अश्विनी मैम को ऐसे इंस्पिरेशन मिला कि आयुर्वेद में इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक अश्विनी मैडम है, आपको नाम दिख रहा होगा, सर इनको इतना खुशी हुआ, और फिर जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है ना, तो वहां से ज्यादा कमा भी रही है और खुश भी है। गवर्नमेंट जॉब में तो वही लिमिटेड चीज है लोग को, है ना। डॉक्टर हरिहर सर आप सुन रहे हैं क्या? जी जी ठीक है सर, सर। और और भी आपके मेडिसिन यहाँ तो मंगानी है तो ऑयल फिर होता है भी या नहीं? ऐड करूंगी। हाँ हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सर, जो आपने सुई ऑयल बताया ना अभी, हाँ और सर दर्द के लिए और बंद नाक हो गया है या तो हाँ साइनस है, इसमें बढ़िया काम कर। तो आपने सर वो जो मैंने आपको दिया था आपने डाला था पेशेंट को, हाँ तो वो पेशेंट फिर आते हैं क्या वही बीमारी लेके? हाँ उसके थोड़ी जलन ज्यादा रहती है। हाँ लेकिन वो ठीक ही हो जाता है ना परमानेंट? तो वो तो कम मात्रा में डालते हैं एक दो बूंद, पर अच्छा हो हाँ जाता है। सर में दर्द हो, बंद नाक हो गया हो, साइनस हो, इसमें फिर जल्दी वो फायदा करता पेशेंट ही नहीं रहते, ठीक ही हो जाता। आपको प्रीति मैम भेज दूंगा मैं। है। सर हाँ शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बस डॉक्टर सर ने शक्ति, बता दिया सर, वही बता रहा था छीर वाला तेल के बारे में, हाँ बताइए बताइए आप। हाँ बता दिया सर ने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं ना असली में बस्ती का आप लोग को, आयुष दर्पण के सारे वैद्य लोग को बस्ती सिखाना चाहता हूँ, एक साथ 10-10 लोग को हम कैसे बस्ती देते हैं, क्या रिजल्ट आता है और कैसे बनाया जाता है, वो आप लोग सीख जाएंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा विद्या आ जाएगा जिससे आपके हर पेशेंट ठीक होंगे, कोई भी पेशेंट आपको ऐसा नहीं होगा कि नाराज होगा, सब आपको अच्छा पैसा भी देंगे, नाम भी होगा, यश भी होगा, कीर्ति भी होगा। मैं वो वर्कशॉप करवाना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करूँ कि और कुछ बोलना है आप लोगों को? सर एक आपने वो फॉर्मूला नहीं दिया सर, नोड्यूल तोड़ने वाला। अच्छा आमबात का, जी सर। ठीक है आपने ग्रुप में लिखे या मुझे मैसेज करें, मैं कल दे दूंगा। जी सर बस्ती वाला कुछ ज्यादा करना पहले। हाँ बस्ती वाला तो अभी वहां पे जो सर कंट्रोवर्सी बहुत चल,
हम आयुष दर्पण वाले क्यों पीछे रह जाए, हमको भी सिखाओ। भाई जरूर जरूर, अभी वो थोड़ा मैं उधर 3 दिन का सभी काम है। के, सर हमारे सभी की ये मांग है, अगर हाँ सबकी वह सब वैद्यगण को इच्छा हो तो सर 5 दिन क्या 1 महीना चलाओ बस्ती प्रकरण। जरूर जरूर, तो आप चिंता मत करिए, बस्ती ऐसे 5 दिन में होता नहीं है सिखा के, उसको टाइम चाहिए होता है, बस्ती 5 दिन में नहीं होता है, वो जितना मैं पढ़ा पाऊंगा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोग का ही हूँ, मैं आप लोग के साथ में ही हूँ। 7 बजे का लेक्चर फिर से मंडे से शुरू हो जाएगा, उसमें मैं बस्ती का कंटिन्यू 1 साल पढ़ाऊंगा आप लोग को, और मैं प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा, तो वो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, आप लोग की आज्ञा हो तो। जी ठीक है, तो अभी हम आप लोग खा पी के सो जाए, हम सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।